हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 8 का पढ़ेंगे पन्ना पन्ना बोलता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें समाचार पत्र के महत्व को बताया गया है कि जो हमारे घरों में अखबार प्रतिदिन आते हैं उसमें क्या खासियत होती है, क्या विशेषता होती है। इसे एक पिता और पुत्र की पुत्री के संवाद के माध्यम से यहाँ हम लोग आज जानेंगे। उसकी विशेषता, उसके संवाद संपादकीय और उसमें छपे आलेख जो होते हैं उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानना है। तो हम लोग पाठ प्रारंभ करते हैं। आज सुबह से ही शुभांगी के घर में खुशी का माहौल है, सभी व्यस्त हैं। शुभांगी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। सुबह से ही पूरा घर जैसे उछल रहा है। आखिरकार शुभांगी से रहा ना गया, जाकर माँ से पूछी बैठी, क्या हुआ है माँ? अरे रुक जा बेटी ज़रा सा, माँ ने रसोई घर की ओर तेज़ी से जाते हुए जवाब दिया। शुभांगी के घर में सुबह से ही हलचल है, खुशी का माहौल है, पर शुभांगी को पता नहीं है कि इस खुशी का कारण क्या है। वह माँ से पूछने भी जाती है तो माँ भी उस समय टाल देती हैं। माँ माँ शुभांगी पुकारती रही, पर माँ के पास तो जैसे वक्त ही ना हो। शुभांगी अधीर थी और उत्साहित भी, वह तुरंत सब कुछ जान लेना चाहती थी। वह दौड़ कर पिताजी के पास गई। पिताजी आंगन में बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहे थे, वह बगल में खड़ी हो गई। समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसके घर में समाचार पत्र आता था और वहीं पर पिताजी के बगल में वह खड़ी हो गई। क्या बात है बेटी? पिताजी ने पूछा। पापा घर में क्या हो रहा है, मुझे तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। पिताजी ने हंसकर शुभांगी को अपने पास बुलाया, आओ यहाँ बैठो। शुभांगी चुपचाप जाकर पिता के पास बैठ गई। तुम्हारी बुआ IAS बन गई है। मतलब तुम्हारी बुआ भारत सरकार की प्रशासनिक सेवा के लिए चुनी गई है। ये वाकई खुशी की बात थी उनके घर के लिए। शुभांगी को समझ में नहीं आ रहा था कि बुआ सुबह से घर में ही है, फिर उन्हें इस बात का पता कैसे चला। पापा बुआ को कैसे पता चला, वो तो सुबह से बाहर गई ही नहीं, शुभांगी ने आश्चर्य से पूछा। समाचार पत्र में परिणाम छपा है, रिजल्ट्स जो समाचार पत्र में आ जाते हैं उसके थ्रू की बात हो रही है कि हम लोगों को समाचार पत्र से कितनी महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल जाती है। शुभांगी को सारी बात समझ में आ गई। समाचार पत्र भी बड़ी कमाल की चीज़ है, शुभांगी के मुख से निकल पड़ा। हाँ बेटी, सच में यह कमाल की चीज़ है। इसमें हमें हर तरह की जानकारी मिलती है, पिता ने कहा। उन्होंने आगे बताया, देखो बेटी, मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। वह अपने अगल बगल की घटनाओं और नई चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, देश दुनिया के बारे में जानना चाहता है। समाचार पत्र हमारी इसी जिज्ञासा को शांत करता है। पिता बातों बातों में ही पिता ने शुभांगी को यह बताया कि देश विदेश की खबरों से अपडेट होने के लिए और जानने के लिए कि क्या घटनाएं, कहां क्या घट रही है, किस चीज़ का दाम बढ़ा, किसका घटा और राजनीति में क्या हो रहा है, इन सब बातों को जानने का एक जरिया है समाचार पत्र। समाचार पत्र के माध्यम से हमें जानकारी और सूचनाएँ मिलती हैं, पिताजी ने शुभांगी को समझाया। अच्छा, शुभांगी आश्चर्य से पिता की बातों को सुन रही थी। शुभांगी समाचार पत्र के बारे में और अधिक जानना चाहती थी, आखिर इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इसलिए पिता से पूछा, समाचार पत्र में क्या क्या होता है पापा? तो उसने बताया, उनके पिता ने बताया शुभांगी के कि समाचार पत्र में समाचार के अलावा विशेष लेख, संपादकीय, पाठकों के पत्र, विज्ञापन इत्यादि चीज़ें होती हैं। तुम जैसे का बच्चों के लिए भी इसमें ढेर सारी चीज़ें होती हैं, पिताजी ने कहा। कहानियाँ, कविताएँ, कार्टून, पहेलियाँ, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, वर्ग पहेलियाँ, इन्हें पढ़ती तो हो तुम? हाँ पापा, शुभांगी ने कहा कि बच्चों के का भी कॉर्नर होता है समाचार पत्र में, जहाँ से बच्चे अपने एंटरटेनमेंट की चीज़ें ढूंढ लेते हैं। पहेली बनाने के लिए, पजल बनाने के लिए कहानी होती है, कविताएँ होती हैं, नाटक होते हैं, संपादकीय होते हैं। इतना ही नहीं बेटी, समाचार भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे राजनीति समाचार, सामाजिक समाचार, आर्थिक यानी रुपए पैसे या बाजार से संबंधित समाचार, खेल कूद के समाचार इत्यादि। हर पेज की विविधता होती है, विशेषताएं होती हैं और हर पत्र में कुछ ना कुछ होता है। इन समाचारों से हमें विविध क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है।
एक विषय से संबंधित समाचार प्रायः एक ही जगह छापे जाते हैं। अगर राजनीति की बातें हो तो एक पेपर में पूरा राजनीति का होता है, अगर एक पेपर में खरीदारी की बातें हो तो पूरा खरीदारी की, एक पेपर में अगर सिनेमा जगत की बातें होती है तो पूरा सिनेमा जगत की, एक पेपर में अगर एक पत्र में अगर बच्चों के बारे में होती है तो पूरा पत्र वो बच्चों के लिए ही होता है। इसमें हमें अपनी रुचि के अनुसार समाचार ढूंढने में सुविधा होती है। जैसे यदि तुम्हें क्रिकेट मैच का परिणाम जानना है तो खेल समाचार वाले पन्ने में जाकर देख सकती हो। शुभांगी की को ये बातें बहुत मज़ेदार लगी। वह रोज़ समाचार पत्र देखती थी परंतु कभी इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं गया था। पिताजी ने अचानक पूछा, तुम्हारे विद्यालय में बाल संसद है? तो वो बोलती है, हाँ। बाल संसद में सभी मंत्रियों के जिम्मे कोई ना कोई कार्य होता है। सफाई मंत्री सफाई का कार्य और शिक्षा मंत्री शिक्षा से संबंधित कार्यों की देखभाल करता है ना? हाँ, सुभांगी ने कहा। और इन सब के कार्यों की देख रेख करने का काम बाल संसद के प्रधानमंत्री का है। एक सुपीरियर होता है, एक हेड होता है, जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। सभी साथ ही प्रधानमंत्री अपना कार्य भी करते होंगे। तो जी हाँ, बाल संसद के बारे में शुभांगी ने जिक्र किया, बोला हाँ जी हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। पिताजी ने आगे बताया, ठीक इसी प्रकार किसी समाचार पत्र के सभी विभागों के कार्यों की देखरेख के लिए एक व्यक्ति होता है जिसे संपादक कहते हैं। समाचार पत्र में छपी चीज़ों के लिए संपादक ही जिम्मेदार होता है। वह समसामयिक विषयों पर समाचार पत्र में अपने विचार भी लिखता है जिसे संपादकीय कहते हैं। यह लेख जिस पृष्ठ पर छपता है उसे संपादकीय पृष्ठ कहते हैं। ये देखो संपादकीय, पिताजी ने समाचार पत्र शुभांगी को दिखाया। बीच पेज में आता है उसमें संपादकीय होता है जो कि पूरा पेपर का सबसे मेन पेपर होता है। मतलब संपादक बहुत विद्वान होते हैं, है ना? शुभांगी ने कहा। हाँ सो तो है। और एक बात, यदि तुम्हें भी किसी समस्या के बारे में या किसी विषय के बारे में अपना विचार लिखना हो तो संपादक को पत्र लिख सकती हो। उत्कृष्ट होने पर उस पत्र को संपादकीय पृष्ठ पर ही छापा जाएगा। वाह, तब तो मैं ज़रूर पत्र लिखूंगी अपने मोहल्ले की समस्या के बारे में। ज़रूर लिखना बेटी, पिताजी ने कहा। फिर हंसते हुए बोले, इतना ही नहीं, समाचार पत्र दुकानदारों व्यापारियों जैसे लोगों को भी बहुत मदद करता है। पिताजी ने समाचार पत्र में छपे विज्ञापन की ओर इशारा करते हुए कहा, लोग ये या कोई संस्था या सरकार अपनी चीज़ों या सेवाओं के बारे में समाचार पत्रों में विज्ञापन या सूचना देते हैं, इससे अन्य लोगों को इसकी जानकारी हो जाती है, फिर लोग अपनी ज़रूरतों के अनुसार इसका उपयोग करते हैं। इसकी मदद से लोगों को जागरूक भी किया जाता है। यह देखो, पिताजी ने तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान बताने वाले रंगीन विज्ञापन पर अपनी उंगली रखी कि विज्ञापन भी अच्छे बुरे हर तरह के विज्ञापन दिखाए जाते हैं जिससे लोगों में जागरूकता फैले। हाँ पापा, शुभांगी ने कहा। वो अब उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। वह ठान चुकी थी कि वह रोज़ समाचार पत्र पढ़ेगी। इससे उसका मनोरंजन तो होगा ही, ज्ञान भी बढ़ेगा। वह पिताजी से और कुछ पूछती इससे पहले ही माँ ने पुकारा, शुभांगी ओ शुभी, आओ नाश्ता कर लो, गरम गरम जलेबियाँ बनाई हैं मैंने। जलेबियों का नाम सुनते ही शुभांगी सरपट भागी। पिताजी मुस्कुराने लगे। समाचार पत्र मेज़ पर रखते हुए उन्होंने सोचा, इतनी बड़ी दुनिया में यदि समाचार पत्र ना होता तो ना जाने क्या होता। देश दुनिया की खबरें हमें नहीं मिल पाती, हम तक नहीं आ पाती। तो इस प्रकार से यहाँ हम लोगों ने देखा कि समाचार पत्र की विशेषताओं को बातों बातों में ही पिता ने अपनी पुत्री शुभांगी को हर एक चीज़ को बताया और उसके मन में भी समाचार पत्र को पढ़ने की जिज्ञासा जागृत की। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।